हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक नए टॉपिक लेकर के आए हैं, घाटी। आज हम लोग घाटी के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। मेजर वैली ऑफ इंडिया इन हिंदी। भारत वैसे तो अपने समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं भारत में प्रसिद्ध मंदिरों, किलों, पार्कों, झीलों के अलावा हजारों फीट की ऊँचाई पर मंत्रमुग्ध करने वाली कई घाटियाँ भी स्थित हैं, जिनका भारत की पहचान है और महत्वपूर्ण स्थान में भी माना जाता है। तो हजारों फीट की ऊंचाई पर स्थित ये घाटियाँ यकीनन दुनिया की सबसे शानदार जगहों में से एक मानी जाती हैं। इन घाटियों की मंत्रमुग्ध और सुंदरता पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनती हैं और इन घाटियों की यात्रा पर्यटकों के लिए अपने जीवन की सबसे यादगार पलों में से एक घाटियों होता है। को देखने के लिए, अवलोकन करने के लिए आपको पहाड़ी क्षेत्रों में जाना होगा। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, भारत के अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में आपको जाना होगा। तो इस तरह से अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, आप अगर एक मॉडल देखना चाहते हैं, छोटी घाटी देखना चाहते हैं, तो आपको आज उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित बर्धा घाटी का दृश्य आपको दिखाते हैं और इस तरह से दिखाते हैं आपको कैसा भौगोलिक परिदृश्य होता है, घाटियों का कितना ऊंचाई से किस रूप में दिखाई देता। तो आज हम लोग बर्धा घाटी का लाइव दिखाएंगे आपको, किस तरह से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है और ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और रीवा डिस्ट्रिक्ट के आगे सिरमौर है, तो उस दोनों के सटे हुए क्षेत्र में आता है इस तरह से। तो आज हम लोग बर्धा घाटी का अवलोकन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से घाटी यहाँ पे एक मॉडल है। बड़ा हालांकि ऊंचाई ज़्यादा तो नहीं, जैसा कि आप उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में पाएंगे, उस तरह से तो नहीं है, लेकिन एक इसको कम भी नहीं आँक सकते क्योंकि यहाँ पे भी समथिंग काफ़ी ऊंचाई है और किस तरह से वो टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर नीचे गुजरना पड़ता है, काफ़ी कठिनाईपूर्ण रास्ता है। तो ऐसा नहीं कि उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, यहाँ बिल्कुल कम है। आप यहाँ पर अवलोकन करेंगे, देखेंगे आपको सिंगल रास्ते और किस तरह से बहुत ही ऊंचाई पर से घाटियों के मध्य से होकर गुजरना पड़ता है, रास्ते कितने कठिनाईपूर्ण होते हैं। तो आप जैसा आपको दिखाई दे रहा है, इसे बर्धा घाटी के नाम से जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा में पड़ता है। तो अपने आसपास के भौगोलिक परिदृश्य से परिचित होना चाहते हैं, लंबी जर्नी आप नहीं करना चाहते हैं, तो अपने पास में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे हुए मध्य प्रदेश की सीमा में आप जो है इलाहाबाद से समथिंग 100 किलोमीटर की दूरी पर यात्रा करके आप इन चीज़ों का अवलोकन कर सकते हैं। जो भौगोलिक परिदृश्य है, कैसे सुंदर है, किस रूप में घाटियाँ होती हैं, कैसे होती हैं, वृक्षों का किस तरह से बारिश के समय में क्या रूप हो जाता है, पत्तियाँ ग्रीष्मकाल में कैसे गिरा देती हैं, तो इस तरह से आप एक सुंदर तरीके से आप अवलोकन करके और इनका आकलन कर सकते हैं कि घाटियों का स्वरूप कैसे होता है और किस रूप में होता है। आप गमन के रास्ते सिंगल होते हैं घाटियों से नीचे उतरने के लिए और किस तरह से इनका क्या स्वरूप होता है, आइए हम लोग विस्तार से देखते हैं। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है, बस को क्रॉस करने में कितनी कठिनाई हो रही है क्योंकि सिंगल रास्ते होते हैं, जगह कम होती है, हज़ारों फीट की गहराई, बगल में ही हज़ारों फीट की गहराई होती है, तो एक बस को क्रॉस करने में कितनी कठिनाई हो रही है। तो इस तरह से घाटियों से उतरने के लिए आवागमन का रास्ता जो होता है, कैसे सांप की तरह दूर से आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, जो आगे दिख रहा है, हाई पावर का कैमरा यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कितना छोटा सा रास्ता है, पतला सा है, दम सांप की तरह, सांप की तरह दिखाई दे रहा है, दूर से काफ़ी दूरी पे है और बहुत पतले पतले रास्ते हैं। तो इस तरह से घाटियों का ये नज़ारा होता है, इस तरह के दृश्य होते हैं, ऐसा इनका भौगोलिक स्वरूप होता है कि समतल मैदानी भूमि जो होती है वहाँ पे हर तरफ सड़कें होती हैं, अच्छे रास्ते होते हैं, लेकिन घाटियों में रास्ते सिंगल होते हैं और कितने कठिनाईपूर्ण होते हैं आप खुद देख सकते हैं कि एक बस यहाँ से क्रॉस की है, कैसे पतले रास्ते से एकदम दूर दूर तक सांप के तरह रास्ते बने हुए हैं, कैसे दूर तक जा रही, जूम करके हम लोग दिखाएंगे आपको, देखेंगे आपको देख आगे। अब यही बस अगर सिंतल रास्ते पर चलती तो तुरंत पहुंच जाती, लेकिन चूंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते होते हैं घाटियों में और इस तरह से जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि बस को क्रॉस करने में बहुत समय लगता है क्योंकि टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं और जस्ट बगल में हज़ार फीट गहरी खाइयाँ होती हैं, तो इस तरह से आवागमन का मार्ग बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि बस कितनी दूरी पे है और कितना पतला रास्ता है, कैसे किस तरह से वो नीचे उतरते उतरते घाटियों में प्रवेश कर रही है, तो इस तरह से इनका अपना एक भौगोलिक स्वरूप होता है इन घाटियों का, और आप इस भौगोलिक स्वरूप को स्वयं देख करके समझ सकते हैं घाटियों का स्वरूप कैसे होता है। पेड़ पौधे होते हैं, दूर से रास्ते दिखाई नहीं देते, भूमि समतल नहीं होती, रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसा आपको दिखाई दे रहा है किस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए हैं आप खुद देख सकते हैं, आपको लगता है टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे होते हैं, यहाँ पे तो एकदम बिल्कुल टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं जो आपको दिखाई तक नहीं देंगे। कैमरे को जूम करने का प्रयास करेंगे
और दिखाइए आप लोगों को, और पास से करिए, कैमरे को जूम करिए और दिखाइए किस तरह से बस टेढ़े मेढ़े रास्तों से होके आ रही है। जैसा आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही पतला और सकरा रास्ता है, जूम करके दिखाएंगे तो इस तरह से रास्ता कितना टेढ़ा मेढ़ा है और किस तरह से बस अभी जस्ट गुजरी है और किस तरह से टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर गुजर रही है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है कितना कठिनाईपूर्ण रास्ता होता है घाटियों का, और आप स्वयं देख करके समझ सकते हैं घाटियों का स्वरूप। बुक्स में पढ़ते हैं उतना बेहतर समझ में नहीं आता कि सर्प की तरह कैसे रास्ते होते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते कैसे होंगे। सांप तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है, रास्ते इतना टेढ़े नहीं हो सकते, लेकिन आपको जैसा आपको दिख रहा है कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता। अभी अभी आपको और दिखाते हैं घाटियों में, और नीचे प्रवेश करेंगे, कैमरे को और जूम करेंगे बहुत दूर तक, समथिंग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी है, कैमरे को जूम करके दिखाएंगे। अभी एकदम पतला सा रास्ता, एक लकीर दिख रही है आपको, और जूम करेंगे और उस लकीर पे दिखाएंगे आपको बस कैसे आगे गुजरती है। तो जैसा आपको दिखाई दे रहा है एक पतली सी रेखा बनी हुई है और वो समथिंग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो कैमरे को जूम करके दिखाएंगे कि किस तरह से एक पतली सी लीक जो बनी है वो एक रास्ता है, दूर से आपको दिखाएंगे और जूम करेंगे, ये देखिए बस सामने से आ रही है। तो इस तरह से घाटियों का यह स्वरूप है, ऊँचे ऊँचे पौधे हैं और किस तरह से पतला सकरा एकदम रास्ता है, और घाटियों के मध्य इस तरह का रास्ता है और आने जाने का जो काफ़ी कठिनाईपूर्ण है। तो जैसा कि आप जानते हैं मैदानी क्षेत्र का अपनी विशिष्टता होती है, समतल भूमि होती है, और घाटियों में रास्ते पतले होते हैं, दुर्गम होते हैं, कठिनाईपूर्ण होते हैं, भूस्खलन हो जाता है तो और दिक्कतें आ जाती हैं, रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। इसीलिए बरसात के समय में पहाड़ों पर जाना प्रतिबंधित कर दिया जाता है, क्योंकि रास्ते सिंगल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा कठिनाईपूर्ण होते हैं। तो देख रहे हैं आप कैसे एकदम पतली सी लाइन है, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं कैमरे की पावर के वजह से, नहीं तो ये रास्ता आपको आँख से दिखेगा नहीं, इतनी दूरी पे है, इतनी पतली लाइन आपको दिखेगी कुछ भी क्लियर नहीं दिखेगा। ये काफ़ी दूरी पे, लगभग समथिंग 4 किलोमीटर की दूरी पे है। तो इस तरह से जूम करके दिखाया जा रहा है आपको कैसे कितनी दूरी पर रास्ता है, कैसे गाड़ियाँ जो है पतली पतली रास्तों से गुजरती हैं, और ये रास्ता आपको दूर से देखेंगे तो दिखेगा ही नहीं। जब तक हाई पावर के लेंस लगा करके बेहतर तरीके से आप उसको देखेंगे नहीं, तब तक आपको दिखाई नहीं देगा। तो जैसा आपको दिख रहा है ये काफ़ी दूरी पे है और एकदम लीक की तरह ये रास्ते हैं। तो ऐसे इस तरह से घाटियों में इन तरह से स्वरूप। डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से नए किसी भौगोलिक परिदृश्य के संदर्भ में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें, आपका सहयोग अति आवश्यक है। जितना बेहतर सहयोग आप प्रदान करते रहेंगे उतना ही हम भारत के विभिन्न भौगोलिक परिदृश्यों को आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।